तो स्वागत है आपका एक और क्रिकबाजी की फ्रेश वीडियो में। और भाई क्या मैच हुआ है, बड़े दिनों बाद ऐसा मैच देखने को मिला जब ऐसा लग रहा था अंदर ही अंदर कि कहीं भारत हार तो नहीं जाएगा, और ऐसा नहीं हुआ कि भारत हार गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में यही हो रहा था कि लग रहा था कि कहीं भारत हार तो नहीं जाएगा, बट रिजल्ट क्या हो रहा था कि भारत हार जा रहा था। पर अब भारत जीता तो लगा, अरे भैया हारे हुए मैच भी इंडिया वापस ला सकता है जब हम अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ नहीं खेल रहे हैं। क्या मतलब सभी प्लेयरों ने क्या कमाल का प्रदर्शन किया, और धीरे धीरे हम उस पर बात करेंगे, बट आराम से। देखो मुझे पता है कि अय्यर और सैमसन ने बहुत ही अच्छी बैटिंग करी है, पर जडेजा जो इतने टाइम बाद टीम में वापस लौटे हैं, मतलब क्या बैटिंग करी है उन्होंने। वापस से एक दिल को सुकून मिला कि भाई एक फुल टाइम ऑलराउंडर, एकदम ताबड़तोड़ ऑलराउंडर हमारे सर जडेजा वापस लौटाए हैं। और लास्ट में जो क्या नाम है उसका, दुश्मनता चमाइला, उसका जो महिला निकाला है, मतलब रोहित शर्मा को आउट करा था और उन्होंने, मतलब जडेजा ने जब उनको मारा तो लग रहा था ये कह दिया कि मेरे कप्तान को आउट किया, छोड़ेगा नहीं साला। जडेजा भाई सही करते हैं वैसे, हम तो बस उनके पचिन्नों पे चल रहे हैं, जडेजा। और जडेजा तो जब छक्का मार रहे थे, छक्का मारने के बाद खुद बैट को देख रहे थे भाई कि ये क्या शॉट जा रहे हैं मेरे बल्ले से, मतलब उनको जितना मजा आ रहा था हमको भी उतना ही मजा आ रहा था जडेजा भाई। मतलब बाकी मैं जानता हूँ कि श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, संजू सैमसन ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, पर भाई जो सुकून, मैं जैसा कह रहा हूँ, एक होता है कि भाई मज़ा आ गया बैटिंग देख के, जो श्रेयस अय्यर की बैटिंग देख के मज़ा आया, संजू सैमसन के 3 छक्के देख के मज़ा आया, पर जडेजा की बैटिंग देख के सुकून। बाकी सबसे बड़ी बात थी कि जडेजा की बॉलिंग भी बड़ी शानदार रही। हाँ थोड़ा सा उनका जो फिगर है, अगर आप सिर्फ फिगर देखेंगे और आपने मैच नहीं देखा है तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ डिसेंट सा फिगर है, क्योंकि शुरू के 2 ओवर उनके ठीक ठाक गए थे, जिसमें पहला ब्रेक थ्रू जडेजा नहीं दिलाया था, और क्या हुआ महंगा रहे हैं तो। अक्सर महंगी चीजें ही तो कीमती होती हैं। अब ये बात मुझे लग रहा है हर्षल पटेल ने ज्यादा ही सीरियसली ले ली, इसलिए वो ज्यादा ही महंगे हो गए, पर ठीक है कोई नहीं, कभी कभी होता है किसी मैच में। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। बस यही होता है बिना स्क्रिप्ट के, जब वीडियो शूट होती है बस बोलते रहो कुछ भी, फिर एडिट कट लगा के बस प्रेजेंट कर दो। पर सही तो लगता होगा ना तुमको, सही बताना। लेकिन जडेजा ने लास्ट 2 ओवर में जो कीमती सिर्फ 10 रन दिए ना, उससे बहुत फर्क पड़ा था मैच में। पर उसके साथ साथ चहल ने जो बॉलिंग करी, मतलब वो देख के 4 ओवर में 27 रन और मात्र 1 विकेट। और यहां पे मैं सिर्फ स्टैट्स की बात मैं कभी नहीं करता हूं, मतलब बॉलिंग देख के लग रहा था कि भैया अपने वापस वो चहल आ गए हैं जिनके पास लगभग 24 बॉलों में 24 वेरिएशन है, और कभी भी वो किसी भी खिलाड़ी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो चहल भाई आपकी बॉलिंग देख के भी दिल में यही आ रहा था कि दिल को करार आया, पहली बार आया नहीं कहूंगा यार, पहले ही बहुत बार आपकी बॉलिंग देख के करार आया, वरना तो इंसल्ट सी हो जाएगी ना। पर कल के मैच में जो सबसे ज्यादा बंदा खुश था वो थे रोहित शर्मा। अब आप सोच रहे हो रोहित शर्मा तो भैया कट लिए थे थोड़े रन बना के, तो खुशी किस बात की, क्योंकि भैया कल के मैच में जितने कैच उछले सारे भारत ने पकड़े, जो अभी तक पिछले 3-4 मैचों से नहीं हो रहा था। और रोहित शर्मा बहुत बौखला गए थे इस चीज से, कसम से बिल्कुल एकदम शेर बन गए थे, भैया ऐसे नहीं चलेगा, उन्होंने बोल दिया पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि कैच आ रहे छोड़ दे रहे, मजाक चल रहा है, गली क्रिकेट थोड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट है भैया, कैच सारे पकड़ने पड़ेंगे। पर उसके बाद वेंकटेश अय्यर ने कल क्या कैच पकड़ा, श्रेयस अय्यर ने क्या कैच पकड़ा, रोहित शर्मा ने भी एक और कैच पकड़ा, और इसी के साथ रोहित शर्मा 50 कैच लेने वाले बैट्समैन बन गए। मतलब रोहित शर्मा का तो इस समय ऐसा चल रहा है कि भाई 0 रन भी मारते हैं किसी मैच में, कुछ भी नहीं करते, ना बॉलिंग करते ना कुछ नहीं करते, फिर भी कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर बना जाते हैं। आखिर कोहली को रिप्लेस किया है तो थोड़े से कोहली के गुण तो आएंगे, क्योंकि कोहली का भी ऐसा ही था भाई, जिस मैच में उतरते थे आज ये रिकॉर्ड बन गया, आज कैप्टेंसी में रिकॉर्ड बन गया, आज बैटिंग में रिकॉर्ड बन गया, आज कैचिंग में रिकॉर्ड बन गया, आज इसमें किस मैच में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कोई रिकॉर्ड बन गया, आज आरसीबी में नहीं बना, सॉरी, माफ कर देना आरसीबी फैंस, बट कोई नहीं इस बार आरसीबी जीतेगी। तो अब हम बात करते हैं श्रेयस अय्यर की बैटिंग के बारे में। श्रेयस अय्यर की बैटिंग देख के बस यही लगा कि भाई किसी को इंजर्ड ना करे भगवान, क्योंकि एक बार कोई इंजर्ड हो जाता है तो जिस तरीके से अय्यर आ रहे हैं, या कोई भी नया इस समय प्लेयर आ रहा है जिसको भी चांस मिल रहा है, नए तो नहीं है श्रेयस अय्यर, बट श्रेयस अय्यर कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है वो परमानेंट रोल टीम में नहीं ले पा रहे थे, बट कल का उनकी बैटिंग देख के यही लगा कि भाई ज्यादा इंजरी जो लोग कर रहे हैं ना, या मतलब कर गए, मतलब जो भी इंजर्ड हो जा रहे हैं इस समय, उनको सोचना चाहिए कि भाई कुछ भी करके इंजर्ड ना हो, क्योंकि जो भी इस समय रिप्लेसमेंट आ रहा है वो इतना तगड़ा खेल दे रहा है कि भाई किसी ना किसी की कुर्सी मार लेगा। सेम चीज जो हार्दिक पांड्या के साथ अभी वेंकटेश अय्यर कर रहे हैं, लग रहा है श्रेयस अय्यर केएल राहुल के साथ ना कर दे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पहले 2 मैचों में बैटिंग करी, इतना तो तय है कि इस सीरीज की मैन ऑफ द सीरीज तो श्रेयस अय्यर ही होने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा खतरा जो जिसकी कुर्सी को कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने तो बड़ा ही तगड़ा परफॉर्मेंस किया था, तो उनको तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, जब भी वो लौटेंगे उनकी कुर्सी कहीं ना कहीं सेफ है, बट फिर से वो इंजर्ड हो गए, क्या पता कोई और नया नूर निकल आए तो सूर्य कुमार यादव भी भाई अस्त ना हो जाए फिर। तो यही मुझे लग रहा है कि शायद मैनेजमेंट ने यही एक तरीका निकाला है कि भाई लोग इंजरी करके बाहर हो जा रहे हैं, इसलिए
ऐसा ही कुछ तरीका निकालो, नए नए बंदे लाओ जो अच्छा खेल रहा है टीम में डालो, और जो इंजरी करके जा रहा है उसको ये दिल में टीस रहे कि भाई इंजर्ड नहीं होना आगे से, वरना जो भी बंदा आ रहा है भाई परफॉर्म कर जा रहा है। जैसा मैंने कहा, देखो एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर से यही होता है जब आप स्क्रिप्ट नहीं लिखते हो, रातों रात मैच खत्म होता है, रातों रात आप कैमरा ऑन करते हो, रिंग लाइट लगाते हो और वीडियो शूट करनी पड़ती है आपको, क्योंकि सुबह सुबह वीडियो भी डालनी तो भाई ऐसे ही शूट करनी पड़ेगी, कहाँ से अब रात के 4 बजे तक बैठ के लिखे। पर भाई मज़ा तो आ रहा होगा तुमको, मज़ा तो आ रहा होगा भाई, इतनी बेहतरीन एडिट करेंगे अभी देखना, तो मज़ा आ जाएगा तुमको देख के। वैसे मेन बात तो बताना ही भूल गया, जब कल 6 बज रहा था तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी जो काम है अभी बता दो, 6:30 पे टॉस होना है, 7 बजे मैच शुरू हो जाएगा, उसके बाद अपन कोई काम नहीं करेंगे, अपन वो धूम 2 की तरह ऋतिक रोशन की मूर्ति पर ऐसे बैठ जाएंगे, फिर हिलाने की कोई जरूरत ना समझे, ठीक है, बस आँख खुली रहेंगी जैसे ऋतिक रोशन ने खोली थी ना जाने ठंडने करके, वैसे ही बस आँख खुली रहेगी और मैच चल रहा होगा, शरीर बिल्कुल एकदम मूर्छित पड़ा होगा। तो मम्मी ने कहा बाजार जाओ 2 किलो तुरई लेके आओ, आज तुरई खाएंगे। हमने कहा ठीक है खाएंगे तुरई। अब आप सोच रहे हो कि तुरई का क्या मतलब है यहाँ पे, क्योंकि भैया क्रिकेट की वीडियो बन रही तो तुरई का क्या मतलब है, मतलब है तुरई का तो बहुत ज्यादा मतलब है, बताता हूँ मैं क्या मतलब है। तो जब मैं तुरई लेके आ रहा था तो मैं अपना जो मास्क है वो घर पे भूल गया था, और जब मैं बाइक से आ रहा था तो पुलिस वाले ने रोक लिया, कहा मास्क का है। हमने कहा भाई हेलमेट लगाए तो है, कह रहा नहीं मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। हमने कहा जरूरी है तो भाई हेलमेट है, हेलमेट क्या शीशा लगाए, पूरी पीपी किट बन गई है मेरी, मास्क की क्या जरूरत है। इसी चीज में बहस करने लगा, बट आखिरी में तुम्हारा भाई इस बहस में जीत गया। पर दिक्कत यह हुई कि जब तक हम बहस जीते तब तक मैच स्टार्ट हो गया, मैच स्टार्ट हो गया तो गेमजी की टीम नहीं बना पाए। बट मुझे याद आया कि गेमजी में एक और फायदा है कि आप चलते हुए मैच में भी टीम बना सकते हो। मैंने फिर वही पे आखिरी ओवर जब मैच टीम चल रहा था, मैंने कहा तब आखिरी में बनाएंगे, पता चल जाएगा कि कौन भाई इस मैच में किसका एकदम गूंज रहा है बल्ला और किसकी एकदम बॉलिंग में धार है। तो भैया उनका ओपनर चल रहा था और बाद में बंदा उनका शनाका आ गया, उन लोग को लिया, 5 लोग की टीम बनाई, हर्षल पटेल वगैरह डाला। हर्षल पटेल थोड़ा सा महंगे साबित हो गए बट कोई नहीं, 1 विकेट लिया था। बुमराह ने जबरदस्त बॉलिंग कराई, चहल ने जबरदस्त बॉलिंग कराई, उनको टीम लिया, 5 लोग की टीम बनाई, लाइव खेला और जीता पैसा ही पैसा। तो ये आप भी कर सकते हो, मैं बहुत बार बता चुका हूं, फिर से नहीं बताऊंगा। आप भी जाइए डिस्क्रिप्शन में गेमजी का लिंक है, जाएं अभी डाउनलोड करें, क्योंकि आज शाम को फिर मैच है। पता नहीं रोज मैच करा रहे हैं भाई, ज्यादा मेहनत करने की आदत है, क्या कर सकते हैं। अभी क्या जा रहा है, 2 दिन बाद न्यूज निकाल देंगे आज हमारे 4 प्लेयर फिर इंजर्ड हो गए, फिर रणजी से कोई 4 बंदे और नए आ जाएंगे, वो भी अच्छा खेल देंगे, फिर कहेंगे भैया श्रेयस अय्यर आप भी हमारी टीम में जगह नहीं बैठती क्योंकि रणजी का बंदा चल गया हमारा, क्या करें। देखो कितनी जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, यही होता है जब आपने स्क्रिप्ट नहीं लिखी और अचानक आप कैमरा लगा के रिंगलेट लगे। देखो ये भी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये भगवान। तो जैसा मैं कह रहा था, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप भी अपनी गेमिंग नॉलेज को यूज करके गेमजी का ऐप डाउनलोड कर अपनी टीम बना के लाखों रुपए जीत सकते हैं। और अगर टीम बनाना भूल भी गए हैं पहली इनिंग में, सेकंड इनिंग में लाले, सेकंड इनिंग में भूल गए, 5-5 ओवर का सिर्फ 5 प्लेयर लें और लाइव खेलें फैंटेसी क्रिकेट और जीतें लाखों रुपए। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का भी जो लिंक है दिया हुआ है, आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां मैं गेम्स से रिलेटेड जितने भी एक्सक्लूसिव ऑफर होते हैं रेगुलरली अपडेट करता रहता हूं, जो सिर्फ अपने लोगों के लिए होते हैं, मतलब मेरे व्यूअर्स के लिए होते हैं। तो चेकआउट नाउ। तो अब चलते हैं अपने आज के क्रिकेट स्टार की तरफ जो हैं, अरे रुक जाओ फोन भी खोलना पड़ता है, देखेंगे कैसे नाम बनना। तो क्रिकेट स्टार है हमारे आज के अमन पांडे, जो पूछते हैं भाई पृथ्वी शॉ का टेस्ट टीम में सिलेक्शन करना चाहिए था कि नहीं। तो जैसा मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि इंडिया में इतने ओपनर है आ रहे हैं, जो भी आता है ओपनर ही आता है, इसलिए किसी ओपनर को जगह मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी ऑलरेडी रोहित शर्मा है, उसके बाद शुभम गिल है, उसके बाद मयंक अग्रवाल है, और कभी हम तो मैं तो कह रहा हूँ शिखर धवन को टेस्ट में खिला लें, ये शायद शुभम गिल वगैरह ज़्यादा अच्छा खेल दे, और उसके बाद पृथ्वी शॉ भी आ रहा है, और पृथ्वी शॉ की थोड़ी सी ऐसी इमेज है कि वो शॉर्ट फॉर्मेट के लिए ज़्यादा बड़े प्लेयर बन सकते हैं, इसलिए मुझे लग रहा है शायद उनकी उतनी चांस नहीं बन रही। और इस समय इतना कॉम्पिटिशन है इंडिया में, और उससे भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन ओपनिंग पोजिशन के लिए है, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि पृथ्वी कि एज बहुत कम है, तो आने वाले टाइम में पृथ्वी शॉ में टीम में देखने को मिल नहीं सकते, कह रहा हूं कि मिल सकते हैं। तो बिल्कुल भाई दिल पे भरोसा रखने का और आंखों में रोशनी रखने का, क्योंकि भाई वैसा मैंने कहा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूं क्योंकि भाई 11:30 बज रहा है, स्क्रिप्ट लिखनी नहीं है क्योंकि जल्दी शूट करना है, क्योंकि सुबह वीडियो जानी, फिर आप कहोगे वीडियो लेट कर दी, इसलिए धन्यवाद। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, इंस्टाग्राम पे आप भी जाएं #ग्रिकबाजी लिख अपना सवाल भेजें, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।